हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था बच्चों कि आजकल आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे होगे, है ना? मैं भी कहीं पे नहीं जा पा रहा। तो एक काम करें, इस वीडियो में हम कुछ बातें करते हैं, ठीक है? चलो। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। नहीं, मैं रास्ते से जा रहा था तभी एक छोटा सा बच्चा आया और उसने मुझे 2 मार्बल दिए। कितने मार्बल दिए? 2। 1, 2। फिर से अगले दिन क्या हुआ, मैं उसी रास्ते से जा रहा था और उसी बच्चे ने मुझे फिर से 2 मार्बल दिए। फिर से 2 हो गए मेरे पास। और अगले दिन भी ऐसा हुआ, उसने मुझे फिर से 2 मार्बल दे दिए। ये देखो। तो अब ये बताओ बच्चों, कितने मार्बल हो गए हमारे पास? सीधी बात है, हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मार्बल हो गए। अच्छा, काउंट करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? सोचो। हाँ, सही सोचा आपने, हम इसको ऐड भी तो कर सकते हैं ना। 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? 6। तो पहले हमने काउंटिंग की, अब हमने एडिशन की, और हमने हर बार 2-2 ही ऐड किए, है ना? चलो अच्छी बात है, अब हम कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है? एक मिनट रुकना। ये देखो, क्या ये फ्लावर्स है ना? फ्लावर्स किस किस को अच्छे लगते हैं? सबको अच्छे लगते हैं। कितने कलरफुल होते हैं ना ये, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, हर तरह के होते हैं, ठीक है ना? तो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, हर एक फ्लावर में 3-3 पेटल्स हैं, 3-3 पंखुड़ियाँ हैं, है ना? देखो इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो सब में 3-3 है ना? तो अब हम सारी पंखुड़ियों को ऐड करके देखेंगे हर एक रो में। पहले रो में 1 है, दूसरे रो में 2 है, तीसरे रो में 3 है ना? तो चलो करते हैं। फर्स्ट रो में कितने? 3 में हम कुछ ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि 1 ही तो फुल है। तो अब हम इसकी जगह 0 लगा देंगे। 3 + 0 = 3। उसके बाद दूसरे रो में कितने फ्लावर्स हैं? 2। तो हम कितने 3 लेंगे? यस, 2 लेंगे। 3 + 3 कितने बार 3 को ऐड करा है? 2 बार। ये कितने हो जाएंगे? काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गए। अब थर्ड रो में देखो, 3 फ्लावर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? 3 बार 3 को ऐड करेंगे। ये देखो, 3 + 3 + 3 कितने हो गए? काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह 4 वाले में 4 बार 3 ऐड करेंगे। 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। चलो, आपने एक चीज़ नोटिस की, हम बार बार एक ही नंबर को रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, है ना? रिपीटिशन में ऐड कर रहे हैं। 3 + 3, फिर 3 + 3 + 3 3 बार, फिर उसी को 4 बार। पहले बार वाले में 1 बार 3, दूसरे बार वाले में 2 बार 3, थर्ड में 3 बार 3 और फोर्थ में 4 बार 3, है ना? तो हम बार बार एक ही नंबर को ऐड करें रिपीटिशन में। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर हम किसी नंबर को बार बार इस तरीके से ऐड करते हैं या किसी भी चीज़ को बार बार ऐड करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सोचो। नहीं पता? मैं बताता हूँ, इस चीज़ को हम कहते हैं मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई, एम
यू एल टी आई पी एल वाई। मल्टी मतलब बहुत सारे, हम बहुत सारे नंबर को ऐड कर रहे थे ना सेम सेम को, तो यही मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई। अच्छा, चार तक तो ठीक थे, अगर 16 16 हमें ऐसे मिल जाए तो, या फिर 10 या 8, 8 बार हम ऐड करते रहेंगे क्या? नहीं ना। तो चलो मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करने का एक तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हें ऐसा बोला कि 3 को 8 बार ऐड करके दिखाओ, कितने बार? 8 बार, 8 times, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 lines खींचेंगे, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 2 3। अब क्या करेंगे, कितने बार हमें करना है 3 को ऐड? 8 times। तो 3 sticks हॉरिजॉन्टल में और 8 stick वर्टिकल। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसमें देखो, ऐसे बहुत सारे हैं, ये चीज़, ये सारी लाइंस कहीं ना कहीं इंटरचेंज हो रही है ना, इंटरलॉक हो रही है ना। तो अब हम इन्हें काउंट करेंगे कि आखिर ऐसे ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, करें काउंट? चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्या हो गया? 24। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि 8 times 3 जब होगा तो टोटल आएगा 24। यानी कि अगर उस बच्चे ने मुझे 8 दिन लगातार 3 3 marbles दिए होते तो हमारे पास 24 marbles हो जाते, है ना, हो जाते कि नहीं? हो जाते। अच्छा, अब मैं तुम्हें ऐसा ही एक सवाल दूं। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया कि हाउ मैनी टाइम्स को एक सिंबल के द्वारा दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एडिशन के लिए ये सिंबल है, सब्सट्रैक्ट के लिए ये वाला सिंबल है ना, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला सिंबल है, क्रॉस, है ना। चलो अब एक काम करो, 4 को 5 times ऐड करो, यानी कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना। और हम इसी तरह करेंगे, इस तरीके से करके देखो, आओ साथ में करते हैं, ठीक है। ये देखो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब देखो हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। पहले हम 4 lines ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और वर्टिकली कितने करेंगे, 1 2 3 4 5, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलो काउंट करते हैं कि 4 को 5 times अगर हम ऐड करेंगे रिपीटेडली तो कितना आएगा टोटल, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
कितना आया? 20। यानी कि 4 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे या 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ और काम देता हूँ। 3 को 3 से इसको थोड़ा मैं रब कर और 4 को 2 से, 2 को 4 से, 5 को 3 से और 6 को 2 से, ये सभी आप मल्टीप्लाई करो अपने अपने नोटबुक्स में। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय।